दोस्तों, अगर हल्का सा खांसते ही निकल जाता है पेशाब तो सावधान हो जाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है आपके स्वास्थ्य से, कुछ चमत्कारी उपाय, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हल्का सा खांसते ही निकल जाता है पेशाब? दोस्तों, मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी की उम्र 70 साल है। कई बार ऐसा होता है कि बाथरूम में जाने से पहले ही उनका यूरिन निकल जाता है। यहाँ तक कि जब वो हल्का सा खांसती हैं तब भी ऐसा होता है। हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है। ऐसे में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। यहाँ तक कि इसी समस्या के चलते वो घर से बाहर जाने में भी घबराती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आखिर कौन सी समस्या है और इसके संकेत क्या क्या है। दोस्तों, इस स्थिति को मूत्र असंयम कहते हैं और मूत्र असंयम एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति का अपने पेशाब पर नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ तक कि हल्का सा खांसते ही उनका पेशाब निकल जाता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है और ऐसा गर्भावस्था और शिशु जन्म के कारण होता है। इसके अलावा उम्र या सर्जरी या डिलीवरी, बढ़े हुए प्रोस्टेट, रजोनिवृत्ति, ओवर एक्टिव ब्लैडर, मूत्राशय की पथरी, यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन और कब्ज के कारण पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर होने के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। ये समस्या बढ़ती उम्र में ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र में हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूत्र असंयम के संकेतों के बारे में। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। तनाव के कारण हो सकता है मूत्र असंयम। दोस्तों, पेट की निचली मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव बनने के कारण अपने मूत्र पर नियंत्रण नहीं रहता और पेशाब निकल जाता है। ऐसा व्यायाम, छींकने, हंसने तथा खांसने के दौरान हो सकता है। मूत्र असंयम आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति के पेल्विक टिश्यू और मसल्स कमजोर होते हैं। गर्भावस्था और शिशु के जन्म के दौरान योनि क्षेत्र की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ने के कारण भी ऐसा होता है। कुछ अन्य कारण हैं जैसे अधिक वजन, कुछ दवाएं और प्रोस्टेट सर्जरी भी इनमें शामिल है। दोस्तों, जब आपका मन बार बार पेशाब जाने का करता है तो इसे ओवरफ्लो असंयम कहते हैं। इस परिस्थिति में मूत्राशय पूरा भरने के बाद व्यक्ति को मूत्र लीक होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये परिस्थिति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक देखी जाती है और इसके मुख्य कारण होते हैं मूत्राशय की कमजोर मांसपेशियां, ट्यूमर जैसी चिकित्सीय परिस्थितियां, जिसके कारण मूत्र पूरी तरह प्रवाहित नहीं हो पाता। बहुत जोर से यूरिन आना भी इसका एक कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से यूरिन का प्रेशर बन जाने के कारण हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ बूंदें लीक हो जाती हैं, और ये समस्या डायबिटीज के कारण भी हो सकती है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आप भी मूत्र असंयम से ग्रस्त हों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।